और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बवाल मचा हुआ है और दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। दरअसल आज 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर उत्पात हुआ। दिल्ली में किसानों के घुसने के दौरान कई जगहों पर किसान और पुलिस के बीच संघर्ष देखने को मिला और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। खबर यह भी है कि दिल्ली के ITO में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए संघर्ष के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई। पुलिस का कहना है कि ये एक दुर्घटना थी और मृतक का ट्रैक्टर पलट गया था। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गोली लगने के बाद चालक के ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल किसानों ने तय सीमा से पहले विभिन्न सीमा बिंदुओं से अपनी ट्रैक्टर परेड शुरू की। किसान अनुमति नहीं मिलने के बावजूद मध्य दिल्ली के ITO पहुंच गए। प्रदर्शनकारी हाथ में डंडे लेकर पुलिस कर्मियों को दौड़ाते हुए भी दिखे। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की इजाज़त दे दी थी, लेकिन इसमें एक शर्त ये रखी थी कि राजपथ पर होने वाले परेड के बाद ये रैली निकाली जा सकती है। हालांकि ट्रैक्टर परेड शुरू होने के बाद कई जगहों पर प्रदर्शनकारी किसान ने पूर्व निर्धारित मार्ग को छोड़ दिया। कुछ किसान लाल किला परिसर में भी प्रवेश कर गए और वहां पर प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने लाल किले पर सिख धर्म निशान साहिब के झंडे को भी फहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया।